हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ख़त्म किया है. मतलब हमारी पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया हो चुका है वहाँ पे. सो अब हम न्यू टॉपिक है जो कि यूनिट सेकंड का ही है आपका, लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. मतलब लैब में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो इन्फेक्ट कर रहा है पेशेंट को. ठीक है, सो कैसे किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे कलेक्शन होता है ब्लड का, वो सब. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. इसमें सबसे पहले जो हमने इसमें लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, या हम इसमें बोल सकते हैं लेबेट्रोलॉजिस्ट. ठीक है, जो लैब में काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब जब हमने पेशेंट से ब्लड कलेक्ट किया या पेशेंट जब इन्फेक्ट है तो हमें नहीं पता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है या क्या चीज़ है जो पर्सन को इन्फेक्ट कर रही है और उसको सिक कर रही है. तो इसमें इसलिए क्या है, वो चीज़ हमारे लिए अननोन है. तो हमें क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या है, हम क्या पेशेंट को इन्फेक्ट कर रहा है. सो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की. ठीक है, अब जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, ये कि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो हमारे नर्सिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो इसमें यही लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. गेट इट? देन कलेक्शन ऑफ सैंपल, कि जो ब्लड होता है या फिर जो भी सैंपल है, ज़रूरी नहीं है कि जो सैंपल है वो सिर्फ ब्लड है. ओके, तो जो भी सैंपल है वो कैसे कलेक्ट किया जा रहा है और कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ सैंपल में क्या क्या हो सकता है, बॉडी फ्लूड्स, स्पेसिमेन एंड बायोप्सी मटेरियल्स. ठीक है, या जो बॉडी से सिक्रीशंस हो रहे हैं. ठीक है, लाइक हम बोल सकते हैं लाइक कोरोना के टाइम पे थ्रोट स्वैप्स लिए जा रहे थे, या फिर नोज से लिए जा रहे थे सैंपल, नेल स्वैप लिए जा रहे थे, तो उसको बोल सकते हैं. ठीक है, या बॉडी फ्लूड्स लाइक ब्लड हो गया है. ठीक है, CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड लिया जा रहा है, या बॉडी में जो भी सिक्रेशंस है या जो पस फॉर्म हो रहा है उस वो वाला जो हम कलेक्ट करके देन लैब में सेंड कर रहे हैं, वो भी क्या है, वो भी एक सैंपल है. गॉट इट? देन अब अलग अलग बैक्टीरिया के लिए, जहाँ जो भी हमें बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है, हमें उसके लिए अलग अलग सैंपल्स लेने पड़ते हैं. ठीक है, हर वायरस के लिए अलग सैंपल होता है. अब जैसे कोरोना था तो उसमें वायरस था, तो उसके लिए हम लोग नोज से ले रहे थे, थ्रोट से ले रहे थे. ठीक है, सैंपल. लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बैक्टीरिया के लिए भी वहीं से लेंगे. ठीक है, बैक्टीरिया के लिए हम लोग बॉडी फ्लूइड्स लेते हैं. ठीक है, अगर किसी को UTI है तो हम लोग वजाइनल सिक्रीशंस जो होते हैं वो सेंड करते हैं लैब में. टू आइडेंटिफाई द कॉज. ओके, देन अब ये भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बॉडी से ही सैंपल्स लिए जाएंगे. अब हमने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ा था कि पेशेंट केयर, पब्लिक हेल्थ. ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था कि कम्युनिटी हेल्थ भी देखनी पड़ती है. सो हम क्या करते हैं, जो सैंपल है वो एनवायरनमेंट से भी लेते हैं. ठीक है, स्पेसिमेन फ्रॉम एनवायरनमेंट, लाइक हम जैसे वाटर क्वालिटी क्या है, क्या वाटर में कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर वाटर में तो कोई ख़राबी नहीं, हम वो चेक करने के लिए वाटर चेक करते हैं, वाटर की क्वालिटी चेक करते हैं. देन फूड देखते हैं. ठीक है, कि फूड एडल्ट्रेटेड तो नहीं है. ठीक है, या फिर फूड इन्फेक्टेड तो नहीं है, या फिर सॉइल कैसी है, क्योंकि ये सब क्या होता है, इन सब से भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है. ठीक है, सो सम सैंपल शुड बी कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर टाइम. ओके, अब हमने जो कलेक्शन ऑफ सैंपल देखा, तो उसमें क्या है, बॉडी फ्लूइड्स ले रहे हैं, बॉडी ब्लड ले रहे हैं, सिक्रीशंस ले रहे हैं जो बॉडी के थ्रू है. ठीक है, अब और सेकेंड हमने देखा था कि एनवायरमेंटल स्पेसिमेंट्स भी ले रहे हैं, लाइक वाटर, फूड, सॉइल एक्सेट्रा. ठीक है, अब थर्ड क्या है कि कुछ सैंपल्स जो होते हैं वो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे कलेक्ट करते हैं. ठीक है, लाइक अगर मलेरिया पैरासाइट है तो उसका हम सैंपल कब लेंगे. अब एज अ नर्स हमें कुछ चीज़ पता है कि जो मलेरिया का सैंपल जो है, अगर वो हमें लेना है तो हमें कब लेना है, जब फीवर जो होगा मलेरिया के सिम्टम्स, जब मतलब हमें नहीं पता है कि हाँ भाई मलेरिया ही है, लेकिन क्या होता है उसमें सिम्टम्स शो हो जाते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स हैं, तो हमें उससे गैस करना होता है कि ठीक है ये है, तो हमें सैंपल कब लेना चाहिए, कब प्रेफरेबल है. ठीक
ठीक है। अब अगर मलेरिया है तो उसका सैंपल कब लिया जाएगा, जब फीवर जो होगा वो पीक लेवल पे होगा, ठीक है, या फिर या जब फीवर चला जाएगा उसके थोड़े से टाइम बाद लेंगे, ठीक है। लेकिन अब वही है कि अगर हम लोग मलेरिया पैरासाइट में ऐसा ले रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम लोग इसी टाइम पर लेंगे, नहीं, सबके सैंपल्स अलग अलग टाइम पर लिए जाते हैं। लाइक अगर वेयर एज ब्लड फॉर बैक्टीरिया शुड बी कलेक्टेड एज फीवर फॉर बिगेंस टू राइज, ठीक है, मतलब जब फीवर अपने इनिशियल स्टेज पे है हम उसी टाइप पे ब्लड कलेक्शन कर लेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता करने के लिए कि कोई बैक्टीरियल है या क्या इन्फेक्शन है, ठीक है। सो इसमें हमने कलेक्शन ऑफ सैंपल्स में तीन चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, एनवायरमेंट, मतलब हम लोग बॉडी से जो सैंपल्स ले रहे हैं वो हमने देख लिया, पस से, सिक्रेशन से, या फिर CSF हो गया है हमारा, या फिर बायोप्सी मटेरियल से, जो भी हम सैंपल्स ले रहे हैं बॉडी के थ्रू, फर्स्ट हमारी कैटेगरी वही है। देन एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हम ले रहे हैं वाटर, फूड, सॉइल से। देन हमने देखा कि जो कुछ सैंपल्स हैं वो हम लोग स्पेसिफिक टाइम पे लिया जाता है, ठीक है, जैसे मलेरिया के लिए हम लोग ले रहे हैं जब फीवर अपनी पीक पीक उस पर है। देन अगर हम बैक्टीरिया के लिए ले रहे हैं तो वो हम कब लेंगे, जब फीवर जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे अपनी इनिशियल स्टेज पे है। देन अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि अगर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है। अब एज अ नर्स हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूनिवर्सल सेफ्टी और लेबोरेटरी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखें कलेक्शन सैंपल के लिए। कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स है जो एज अ नर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और ये सब आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ओके, देन यूनिवर्सल में इसमें जो हमने लिखे हैं, वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स, लेबोरेटरी कोट्स, ठीक है। हमें क्या है इसमें कि हमें ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, असेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो भी होती है, ग्लव्स, कोट, कैप, वो सब हमें वेयर करनी है, ठीक है, किस लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, ठीक है, या फिर हमसे पेशेंट में इन्फेक्शन ना जाए और पेशेंट से हेल्थ केयर पर्सनल में इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट हो, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेफ्टी है। इफ़ यू हैव कट और एब्रेशन ऑन द स्किन ऑफ योर हैंड्स, कवर देम विद एडहेसिव ड्रेसिंग। अगर मान लो कि अगर आप लोग एज अ नर्स जा रहे हो सैंपल कलेक्ट करने, लेकिन क्या है आपके हाथ पे कट लगा हुआ है, तो अगर वो पहले से ही कट है, ठीक है, पहले से ही क्या है, कट है, एक कोई भी बैरियर नहीं है, ठीक है, स्किन क्या होती है वो बैक्टीरिया के लिए एक एज अ बैरियर काम करती है कि वो बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देती। लेकिन जब आपका पहले से ही कट है तो उसमें क्या है कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस या बैक्टीरिया के एंटर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे आप इन्फेक्ट हो सकते हो, राइट। तो इसलिए क्या करना है कि अगर कुछ भी कट है या फिर कोई इंजरी है तो उसको क्या करना है, उसमें ड्रेसिंग करना है प्रॉपरली, देन आपको जाना है कलेक्शन के लिए, राइट। यूज़ नीडल एंड लेंसेट ओनली वंस एंड डिस्पोज ऑफ देम इन अ शार्प कंटेनर फॉर डिकन्टेमिनेशन, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक ही लेंसेट से एक का लेंसेट हम कम यूज़ करते हैं कैपिलरी पंचर के, राइट, या फिर अगर हम देखें तो हॉस्पिटल सेटिंग्स में जब हम लेंसेट यूज़ करते हैं तो डायबिटीज़ पेशेंट में करते हैं, राइट, ब्लड शुगर देखने के लिए। तो क्या करना है, अगर हमने वो लेंसेट एक बार यूज़ कर लिया है तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, और इसके लिए कौन सा कंटेनर होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है उसमें डिस्कार्ड होता है जो भी नीडल्स और शार्प्स होते हैं। और अगर हमने एक नीडल एक बार यूज़ कर ली है कलेक्शन के लिए, फिर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, नॉट इन द सेम पर्सन, कि ऐसा नहीं है कि ठीक है हम सेम ही पर्सन में फिर से वही नीडल यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरी नीडल लेनी है, राइट। सो ये क्या हो गया हमारा सेफ्टी रूल्स। ओके स्टूडेंट, सो इसके साथ आपका यूनिवर्सल सेफ्टी एंड लेबोरेटरी सेफ्टी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन अब नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन, ठीक है, कि कलेक्शन हम कहाँ से करते हैं, मतलब अगर हम बॉडी सिक्रेशंस ले रहे हैं तो हम कैसे ले रहे हैं या कहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। सो उसमें क्या आ सकता है, हमारा स्किन सैंपल आ सकता है, नेल सैंपल आ सकता है, हेयर सैंपल आ सकता है, ठीक है, म्यूकस सैंपल हो सकता है, थ्रोट हो सकता है, नेयर्स ईयर से ले सकते हैं, स्प्यूटम कलेक्शन कर सकते हैं, यूरिन सैंपल ले सकते हैं, फीसिस ले सकते हैं, फिर आई स्वैब, ब्लड, पस, या फिर
CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सो ये क्या होता है, ये सारे हमारे सैंपल्स होते हैं, ये सब हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोसीजर, ठीक है, कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा, इस पर सबसे पहले क्या होगा, जब अगर एग्जांपल कि एज अ नर्स मैंने कलेक्ट कर रही हूँ, मैं कलेक्शन करने जा रही हूँ, मैंने सारी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हैं वो भी फॉलो किया है, देन मैंने कलेक्ट किया, तो उसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उसमें करूँगी स्पेसिमेन की हैंडलिंग, मतलब जो भी मैंने ब्लड या जो भी सैंपल कलेक्ट किया है मुझे उसको प्रॉपर हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग हम किस सेंस में करेंगे, मतलब प्रॉपर हैंडलिंग से आप क्या समझते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक ब्लड लिया उसको एक ऑप्टिमम हमने टेम्परेचर पे रखा या फिर एक सही जगह से हम लोगों ने कलेक्ट किया, कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें कहाँ से करना है। ठीक है, ये नहीं है कि हम लोगों को अगर वेनस ब्लड लेना है तो हम आर्टेरियल ब्लड ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें कौन से रूट से सैंपल लेना है, राइट, वो सब हमें देखना है। देन उसके बाद प्रॉपर लेबलिंग करनी है, राइट, कि किस टाइम पे लिया गया है, किस डेट में लिया गया है, किस पेशेंट का है, हमें वहाँ पे नेम और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, ये सब हमें वहाँ पे नोट डाउन करना पड़ता है। ओके, वाइल पे लिखा जाता है ये सब चीज़ें। ओके, या फिर कंटेनर, अगर हम लोग यूरिन या फिर स्प्यूटम ले रहे हैं तो कंटेनर पे ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं कि किस पेशेंट का है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, या किस डेट पे और किस टाइम पे लिया गया है, राइट। और देन उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, स्टाफ का साइन होता है कि किस स्टाफ ने कलेक्ट किया है वो सैंपल, राइट। सो इसमें क्या होता है कि जो हैंडलिंग का और लेबलिंग वाला जो काम होता है वो किसका होता है, जो वापस जो है वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ब्लड तो ले लिया लेकिन हमें पता ही नहीं है कि सही क्वांटिटी क्या है ब्लड कलेक्ट करने की। ठीक है, सो हमें एक सही क्वांटिटी या सही मात्रा में जो है सैंपल कलेक्ट करना है। ओके, कि ताकि सही से इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो सके और ऐसा ना हो कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कम पड़ जाए सैंपल। ठीक है, देन इससे क्या होता है, पेशेंट भी बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, कि बार बार ले रहे हो हमसे सैंपल, ये सब चीज़ें, तो इन सब को अवॉइड करने के लिए एक रिक्वायरमेंट अमाउंट में हमें सैंपल कलेक्ट करना है। ओके, देन ये सब करने के बाद लेबलिंग कर ली है, वहाँ पे सारी चार्टिंग कर दी है, देन उसके बाद क्या होगा, स्पेसिमिन का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि हमने जो भी सैंपल लिया है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है, किस टेम्परेचर पे किया जाएगा, हम ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल अगर हमने कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लिया है, मतलब बैक्टीरिया हमें पता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए क्या करेंगे, अगर जो ब्लड है वो बैक्टीरिया के लिए लिया है स्पेसिमेन, तो उसको हम सिर्फ रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है उसी पे रखेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे लैब में एज सून एज पॉसिबल। ओके, देन जो यूरिन सैंपल अगर कलेक्ट किया जा रहा है तो उसको कैसे, उसको एज सून एज असेप एज सून एज पॉसिबल हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। और अगर यूरिन सैंपल जो होता है वो एग्जामिन कब होना चाहिए, विद इन वन आवर जो होता है कलेक्शन के, विद इन वन आवर, एक घंटे के अंदर उसको एग्जामिन करना चाहिए, वरना उसमें क्या हो सकता है, एरर आ सकते हैं। ठीक है, उसके कंपोजिशन में चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में गलत रिजल्ट आएगा, राइट। और अगर इन सम केसेस अगर नहीं हो पा रहा है, वन आवर जो है वन आवर के अंदर एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, तो क्या होगा, उसको रेफ्रिजरेट करेंगे। ठीक है, देन अगर CSF है, अगर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड लिया है, फ्लूड कलेक्ट किया गया है, तो उसको क्या होगा, उसको तुरंत भेजना है लैब में और उसको कितने, ओनली 15 मिनट के अंदर उसको क्या करना होता है, एग्जामिन करना होता है। इसमें हम लोग लेट डिले नहीं कर सकते हैं, राइट। देन अगर स्पेसिमिन फॉर वायरस शुड बी आइस्ड बिफोर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जो वायरस होता है ना वो क्या होता है, हीट सेंसिटिव होता है। ठीक है, उनको कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, तो अगर उनको कोल्ड एनवायरनमेंट भी नहीं मिलेगा तो वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उसमें कोई स्टडी नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वायरस के लिए स्पेसिमेन लिया गया है तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट करने से पहले प्रॉपर आइस्ड, मतलब चारों तरफ उसके बर्फ़ रखी जाएगी। ठीक है, उसको 4 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, इसका जो अप्रॉक्स माना जाता है 1 to 4 डिग्री टेम्परेचर पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि वायरस की डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, सो ये सब आपको अभी तक समझ आ गया होगा, ये सब कुछ बेसिक था,
ठीक है, कि लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, देन कलेक्शन ऑफ सैंपल, कहाँ से सैंपल्स लिए जाते हैं, बॉडी फ्लूइड, एनवायरनमेंट, देन अदर सैंपल, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे लिए जा रहे हैं, देन यूनिवर्सल सेफ्टी क्या क्या हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, या फिर लेबोरेटरी सेफ्टीज क्या क्या हैं, ठीक है, ये सब कुछ बेसिक था, ठीक है, जो आप मार्क्स गेन करने के लिए लिख सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट ये भी नहीं आएगा कि जो आपने पढ़ा है वही टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि एज अ नर्सिंग में ना स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं आते कि हाँ आप इसके बारे में लिखो, आप में क्या आएगा कि नर्सेज ये काम कैसे करती हैं, ठीक है, तो आपको एज अ नर्स ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो इसमें आपको यही सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर हाँ ये है, अगर आप लोग ये सब आपको पता है तो आप वहाँ पे घबराओगे नहीं कि हाँ क्या लिखना है, आपको एटलीस्ट पता है कि आपको क्या लिखना है, राइट। देन हम करेक्शन क्या क्या कर रहे हैं, ओके, देन जो हमने कलेक्ट किया उसकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, कौन करेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम चार्टिंग करेंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेबल की जाएंगी वो मैंने आपको बता दिया है। देन स्पेसिमिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा वो मैंने आपको बता दिया है, बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल स्पेसिमिन लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, यूरिन है तो उसको एग्जामिन विद इन 1 आवर, ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत ही जल्दी उसको लैब में, देन CSF जो उसको 15 मिनट के अंदर एग्जामिन करना होता है, और अगर वायरस स्पेसिमिन है तो उसको हम ट्रांसपोर्ट करने से पहले क्या करेंगे, एक कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और आइस्ड आइस्ड सराउंड कर देंगे हम उसके, ठीक है। देन अब आता है कि लेबोरेटरी मेथड्स कौन कौन से हैं, कि किन किन मेथड से बैक्टीरिया की जांच की जा रही है या फिर कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है लैब में, राइट। सो इसमें सिर्फ इतना ही है जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ नर्स, ठीक है, एंड अदरवाइज अगर आपको इसमें लगता है कि आपको डीप पढ़ना है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा, ठीक, तो आप जितना डीप जाओगे आप उतना जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। देन अगर लेबोरेटरी मेथड्स पढ़ते हैं तो इसमें क्या आएगा, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकल मेथड। अब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकल मेथड्स क्या होंगे, इन्वॉल्व द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स और सैंपल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग और स्टेनिंग। दिस मेथड अलो फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल स्टेट, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकल मेथड लिखा है इसमें, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकल मेथड में क्या आ जाएगा कि ओनली हम लोग सीधा माइक्रोस्कोप के अंडर रखा और उसको एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, ना ही हम उसमें कुछ एडिशनल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम उसमें कोई स्टेनिंग कर रहे हैं, सिर्फ हम डायरेक्ट उसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ उसमें देख रहे हैं कि हाँ बैक्टीरिया जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, साइज क्या है, या उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरीके से है, ताकि हमें पता चल सके क्या कौन सा बैक्टीरिया है, हम उसको क्लासीफाई कर सकें, राइट, ओके। हम इसमें नेचुरल स्टेट में जो होता है वो बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं कि नेचुरल स्टेट में, ठीक है, विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग और स्टेनिंग, ठीक है। सो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकल मेथड आपको समझ आ गया होगा कि जो हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंडर सिर्फ कुछ भी एडिशनल चीज़ें ना यूज़ करके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकल मेथड्स, राइट। देन सेकेंड है कल्चर मेथड। कल्चर मेथड में क्या आएगा, द कल्चर मेथड इन्वॉल्व्स द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल्स और टिश्यूज इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सच एज अ पेट्री डिश और अ सेल कल्चर फ्लास्क अंडर स्पेसिफिक कंडीशन कंडिशिव टू देयर ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन, ठीक है। अब कल्चर में क्या करते हैं, हम लोग कल्टिवेट करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं, लेकिन अब ये भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, हम लोग उनको अगर कोई भी, जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में देखा था कि ठीक है अगर मीजोफिल्स है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो हम उसकी कंडीशंस के हिसाब से क्या कर रहे हैं, उनको वही टेम्परेचर या वही कंडीशंस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड हमारे हाथ में है कि ठीक है वो कंट्रोल्ड कंडीशंस हम लोग उनको दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, उसका ज़्यादा इफेक्ट भी ना हो कि ग्रोथ ज़्यादा हो जाए या फिर उसका फिर हार्शन इफेक्ट हम पे ही आए, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टिवेट कर रहे हैं या उनकी ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये सब कहाँ करते हैं,
सच एज पेट्री डिश जो होता है या फिर सेल कल्चर फ्लास्क, ठीक है, अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन कंडसिव टू देयर ग्रोथ एंड रेप्लीकेशन, राइट। अब ये कहाँ करा जाता है, पेट्री डिश में या फिर जो भी कल्चरल फ्लास्क होता है उसमें क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टिवेट या उसकी ग्रोथ करवाई जाती है, और ऐसी कंडीशन में जो उसकी ग्रोथ और रेप्लीकेट को क्या करे, रेप्लीकेशन को क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है, उसके लिए फेवरेबल हो वो, ऐसी कंडीशंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, दिस मेथड अलाउज रिसर्चर्स टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड इंट्रैक्शन ऑफ देयर ऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स और सेल्स इन। फिर इसका क्या मतलब हुआ कि कल्चरल मेथड में क्या हो रहा है कि इन विट्रो का मतलब होता है कि इन लैब, ठीक है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके इन लैब में क्या हो रहा है, ग्रोथ करवाई जा रही है बैक्टीरिया की, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेन से स्पर्म लिया, वुमेन से क्या हुआ, एग लिया, ठीक है, उन दोनों की मेटिंग कराई और क्या हुआ, लैब में ही जाइगोट बनाया एंड देन उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इन विट्रो मतलब क्या हो रहा है इसमें कि बाहर पे ह्यूमन बॉडी में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि लैब में उन दोनों की मीटिंग हो रही है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग हो रही है, देन वहाँ पे जाइगॉट बना के क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो वैसे ही इसमें क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया को लैब में ही ग्रो करवाया जा रहा है उसकी, किस लिए। अब इस मेथड में क्या होता है कि रिसर्चर्स जैसे रिसर्च करनी होती है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये क्या है, उसके लिए भी यूज़फुल है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहा है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या सिम्टम्स शो करेगा, ये सब पता चल जाता है। देन हमारा थर्ड जो है वो है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वेरियस टेक्निक्स टू स्टडी द केमिकल प्रोसेसेस एंड मॉलिक्यूल्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस मेथड एम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। सो इसमें क्या आएगा कि जो बायोकेमिकल मेथड्स जो होते हैं वो, इसमें हम लोग इसके नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें ऐसी टेक्निक होगी, बायोकेमिकल मेथड्स में हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिससे क्या पता चलेगा कि बैक्टीरिया में केमिकल प्रोसेसेस क्या क्या हो रहे हैं, वो किस तरीके से मेटाबॉलिज्म उसका हो रहा है, या उसमें जो भी स्ट्रक्चर है उसमें क्या बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या बायो मॉलिक्यूल्स यू हैं उसमें, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें हम लोग उनके प्रोटीन नेचर क्या है या न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसमें लिपिड्स कितने हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, तो ये सब हमें किससे पता चलता है, बायो मॉलिक्यूल्स, बायोकेमिकल मेथड से, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिकल मेथड इंक्लूड क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो एसे एंड एंजाइम एसेज। ओके, देन लास्ट है हमारा सीरोलॉजिकल मेथड। सीरोलॉजिकल मेथड से हम क्या समझ सकते हैं कि सीरोलॉजिकल मेथड में जिसमें हम बॉडी सीरम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे, क्योंकि हम सीरम मेथड में क्या करते हैं, बॉडी से सीरम ले रहे हैं, तो उसमें क्या हो गया, हम उस, अब बॉडी फ्लूइड से अगर हम लोगों ने सीरम लिया तो हम उसमें क्या एंटीबॉडीज, एंटीजन है या नहीं है, हम ये सब इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, यही सब तो हम उससे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, सीरोलॉजिकल मेथड्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर बॉडीली फ्लूइड्स टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज, एंटीजन एंड अदर सब्सटेंसेस रिलेटेड टू इम्यून रिस्पॉन्सेज, राइट। तो सीरोलॉजिकल मेथड्स में क्या होगा कि हम लोग जो भी हमने बॉडी फ्लूइड्स लिए या सीरम लिया है, कलेक्ट किया है, उसमें हम लोग क्या डिटेक्ट करेंगे, कोई एंटीबॉडी, एंटीजन, मैंने आपको बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन इज़ अ फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है, बाहर का जो बॉडी में एंटर किया होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। और जब इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट एंटीजन क्या भेजता है, एंटीबॉडीज बनाता है उनको किल करने के लिए, ठीक है। तो अब सीरम में ये सब प्रेजेंस है कि नहीं है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए सीरोलॉजिकल मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। दीज मेथड्स आर क्रूशियल इन डायग्नोस्टिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड एलर्जीज, एज वेल एज इन मॉनिटरिंग वैक्सीन एफिशियंसी
एंड कंडक्टिंग एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। अब जो सीरोलॉजिकल मेथड है वो मेनली कब किस काम आता है कि किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो खुद की ऑर्गन्स के लिए ही क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, ठीक है, खुद के ऑर्गन्स को ही किल करने लग जाती है, या फिर किसी में क्या एलर्जी है वो पता है, क्योंकि एनर्जी अगर एलर्जी होती है तो उसमें भी क्या होता है, एंटीबॉडीज ही क्रिएट होती हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसके बारे में हम फर्दर एक क्लास लेंगे एलर्जी के लिए, या एंटीबॉडी और एंटीजन का क्या रिएक्शन होता है ये पता करने के लिए, ठीक है, अभी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ये सीरोलॉजिकल मेथड में हमें ये मेनली पता चलता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल ऑफ सीरोलॉजिकल मेथड इंक्लूड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइजा, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ये टेक्निक किस लिए यूज़ होती है, एंटीबॉडी और एंटीजन के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड इम्यूनोफ्लोरेंस एसे, दिस टेक्निक रिलाय ऑन द स्पेसिफिक बाइंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज और एंटीजन टू डिटेक्ट एंड क्वेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ टारगेट मॉलिक्यूल इन बायोलॉजिकल सैंपल्स। अब ये सारी जो टेक्निक्स हैं, एलाइजा, इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है, या वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब क्या है, ये सब क्या डिटेक्ट करती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कितना है, और ब्लड में ऐसा हो भी रहा है एंटीबॉडी या एंटीजन का इंटरेक्शन है या फिर नहीं है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। सिंपल है, अगर एंटीबॉडीज ब्लड में प्रेजेंट है तो मतलब क्या हुआ उसका, कि कहीं ना कहीं एंटीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये पता करने के लिए क्या यूज़ हुआ, सीरोलॉजिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। सो मेथड ऑफ लेबोरेटरी में हम लोगों ने क्या देखा, कि सब कुछ करने के बाद, स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद, ट्रांसपोर्ट करने के बाद, हैंडलिंग कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके बाद लैब में कौन से मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, वो क्या आएंगे हमारे लेबोरेटरी मेथड्स। उसमें हमारा डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिकल मेथड आ जाएगा, जिसमें हम डायरेक्टली सिर्फ नेचुरल कंडीशन में बैक्टीरिया को देख रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसका सेल कैसा है, ऑर्गेनिज्म कैसा है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, वो डिटेक्ट कर रहे हैं नेचुरली, ठीक है, डायरेक्ट में ये आ जाएगा। कल्चर में क्या हो रहा है, हम लोग ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उसको ग्रोथ करवा रहे हैं, उसको हम लोग एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर या फिर उसकी कंडीशंस देके उसको ग्रोथ करवा के देन हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है ये सब। देन बायोकेमिकल्स में क्या होता है कि जो भी इसमें हम लोग एक इस टेक्निक में क्या होता है कि केमिकल प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये पता करने के लिए हम लोग बायोकेमिकल मेथड यूज़ करते हैं, कि उसमें प्रोटीन कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स क्या क्या है, या उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, ठीक है, प्रोटीन क्या कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड क्या कर रहा है, ये सब पता करने के लिए क्या करता है, बायोकेमिकल मेथड यूज़ करता है। देन सीरोलॉजिकल में कि सीरम की स्टडी करते हैं, या जो भी हमने बॉडी फ्लूइड कलेक्ट किया है उसकी स्टडी कैसे करते हैं, सीरोलॉजिकली मेथड से यूज़ किए जाती है। इसमें क्या पता चलता है मेनली हमारा, कि बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन क्या है, एंटीजन या एंटीबॉडी का प्रेजेंस है या नहीं है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, इन सबको पता करने के लिए सीरोलॉजिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, राइट। सो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है, राइट, कि लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। आपका इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है मोबिलिटी, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अलग क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप सिंपल जो हमने प्रीवियस बैक्टीरिया की क्लास में देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, उसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था बैक्टीरिया का, डेट इज़ फ्लैजेला, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लैजेला होता है वही लोकोमोशन मतलब मोबिलाइजेशन या मोबिलिटी बोल सकते हैं, चलने फिरने के लिए फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो उसी के लिए हम लोग उसी में हम जो अगर आपका मोबिलिटी आता है एग्जाम में तो आप वही सब लिखेंगे कि फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, या फिर मैंने उसमें आपके अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला के अकॉर्डिंग उसमें मैंने आपको 5 कैटेगरीज बताई थी, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस या फिर एट्राइकस, तो आप उसमें वो सब क्लासीफाई कर देंगे और फ्लैजेला के बारे में उसका स्ट्रक्चर बना देंगे, और जो मैंने आपको बताया था फिलामेंट हुक बेसल बॉडी एंड उसका जो इंट्रोडक्शन है वो सब देंगे, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी ये क्लास एंड होती है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करना,